फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या एक अनमैरिड कपल किसी होटल में स्टे कर सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि ये मॉरली सही है या गलत है। मैं लीगल एंगल से ये बताने जा रही हूँ कि क्या लीगली ये चीज़ सही है या नहीं। किसी भी कपल का जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, अपनी लीगल आईडी के साथ अगर किसी होटल में स्टे करते हैं तो ये लीगल है। होटल का रूम कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, बल्कि होटल का रूम एक प्राइवेट प्लेस है उनके लिए, जहां वो अपनी कंसेंट के साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में पुलिस रेड करती है या किसी तरीके से थ्रेट करने की कोशिश करती है या आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या फिर आप कुछ गलत हरकतें कर रहे थे जिसकी वजह से आपको अरेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से या आपको किसी तरीके से ब्लैकमेल करके आपसे पैसे लेने की कोशिश करती है, तो आप उस पर प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। पहली बात तो आपको ये बात करनी होगी कि आप 18 ईयर्स से ऊपर के हैं और आप दोनों ही अपनी फ्री कंसेंट से एक दूसरे के साथ उस होटल में आए हैं। आपको पुलिस डराने की कोशिश करती है कि आप अपने फीमेल पार्टनर को अगवा करके लाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी पार्टनर को भी पुलिस के सामने ये चीज़ बतानी होगी कि वो अपनी कंसेंट के साथ आपके साथ यहाँ पर आई है और उन्होंने अपना वैलिड आईडी प्रूफ होटल में दिया है। सेकंड थिंग, अगर पुलिस आपको ये डराने की कोशिश करती है कि आप यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर कोई गलत हरकत कर रहे हैं, तो आपको शांति से बस इतना कहना है कि वो कोई पब्लिक प्लेस नहीं बल्कि होटल का एक रूम है जो कि एक प्राइवेट प्लेस है जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। अगर पुलिस द्वारा आपको धमकी दी जाती है कि वो आपके पेरेंट्स को बुलाएगी या फिर आपके पेरेंट्स को फ़ोन से इन्फॉर्म करेगी या फिर आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेती हैं, तो आप इसके लिए रोक सकते हैं। उन्हें ऐसा करने का कोई भी लीगली राइट नहीं है। अगर आपकी सारी बातें कहने के बावजूद पुलिस आपके साथ ऐसी कोई हरकत करती है जैसे आपके फ़ोटोज़ लेती है, वीडियोज़ बनाती है, आपकी प्राइवेसी को भंग करने की कोशिश करती है, आपको डराती है कि आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी करती है, तो आप इसके अगेंस्ट उनके सीनियर अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर उनके सीनियर अथॉरिटीज़ भी इन बातों को नहीं सुनते हैं, तो आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में कंप्लेंट केस वगैरह फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।